नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुकर्णी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोग फैली उजियारी। आज पतिदेव पूजा के बर्तन की सफाई कर रहे हैं, तो पतिदेव कैसा लग रहा है आपको? जी आज हम पूजा के बर्तन की सफाई कर रहे हैं, सही बात है। हाँ। और वो हम इसलिए कर रहे हैं, पत्नी महारानी जो है अपना उंगली काट ली है कल। हाँ। एक मसाला का पैकेट फाड़ते हुए चाकू से, तो बेचारी को चुभ जाता, तो हम ही कर देते हैं। और इसे भी माता रानी का काम है, इसमें हम नाम को नहीं कर सकते है। करते हैं, बहुत बढ़िया। जिया कितने देर से धागा घुसाने का कोशिश कर रही है सुई में, घुस ही नहीं रहा है। हम कह रहे हमको दे दो, तो हमको भी नहीं दे रही है। आपको तो और चश्मा लगा है, आपसे क्या होगा, बहुत छोटा सुई है ना, होता ही नहीं है। हम कर देंगे, देखा तो देखो। घुस गया, घुस गया, हमको देने के नाम पर हो गया ये। आज फूलों की माला बना रही है जिया। जी हम यहाँ माला बना रहे हैं, और पतिदेव उतने देर में ही स्नान करके चले आए, और उनसे जितना हो पा रहा था मदद करना, मदद कर रहे थे। जी उसमें हो क्या रहा था, सारा काम तो कर रहे थे आराम से, लेकिन वो जो दिया में बाती डालना था वो नहीं हो पा रहा था। और जब हम बताए कि ऐसे करना है, तो बोलते ये तो बहुत ही आसान काम है, ये कौन नहीं कर सकता, हम खुद कर लेंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जी बात क्या है कि पहले हम ज्यादा पूजा पाठ करते नहीं थे, ये तो जिया आई है जब से ये जिया जबरदस्ती शुरू में बैठाना शुरू कर दी, तो पहले तो इसके सिर्फ कहने पर हम बैठ जाते थे, बाद में हमको खुद ही पूजा करने में मन लगने लग गया। और जी पूजा करने के बाद यहाँ तो बात है, यहाँ तो आप सभी मानेंगे, पूजा करने के बाद एक अलग सा सुकून मिलता है, कुछ अलग सा शांति जैसा महसूस होता है आसपास। हमारे पास तो ज़्यादा फूल है नहीं, जितना फूल है उतने में ही काम चला लेते हैं, और माला भी बनाना रहता है तो दो ही माला बनाते हैं, एक डैडी के लिए बना लेते हैं और एक अपने और पतिदेव के लिए बना लेते हैं, उसी में दोनों मिलके हम और पतिदेव माता रानी को चढ़ा देते हैं। जैसे ही हमारी पूजा की तैयारी हो गई ख़त्म, तो अब आती है पूजा करने की बारी, और पतिदेव तो आजकल इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पूजा करने के लिए, सुबह ही उठेंगे बोलेंगे अब जल्दी से स्नान कर लो तब पूजा करेंगे, मतलब पहले उतना ज़्यादा नहीं देखते थे इनके अंदर, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इनको मन लगता है पूजा करने में। जी पूजा अर्चना का तो ये प्रोसेस होता है ना, जैसे धूप दिखाना, दिया दिखाना, फूल चढ़ाना, जल ढारना, पता नहीं यह सब करने के बीच एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। जी पूजा अर्चना के दौरान माता रानी से अपने और अपने परिवार के लिए तो प्रार्थना किया ही, साथ ही इस पूरे संसार के लिए भी किया। माता रानी पूरा संसार जो है इस वक्त कोरोना की महामारी से त्रस्त है, लोगों के काम धंधे चौपट हुए पड़े हैं, कई लोगों की रोजी रोटी जा चुकी है। माता रानी जो भी गलती हो गई संसार से, कृपया आप उसे माफ़ करें, और जल्द से जल्द इस कोरोना नाम की महामारी से लोगों को मुक्ति दिलाए, ताकि पूरा जो यह जनजीवन है पटरी पर लौट कर आए। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुकर्णी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोग फैली उजियारी। जी पतिदेव यहाँ दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं और हम बगल में सुन रहे हैं। हम पहले दुर्गा चालीसा पढ़ते थे, लेकिन पतिदेव बोले तुम बहुत धीरे धीरे पढ़ती हो, तो हम ही पढ़ेंगे और तुम सुनोगी, तो पतिदेव दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। नि जाने कर्मो कृपा जगदम्ब भवानी, जी जब हमारा पूजा यहाँ पर घर में ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोग चले जाते हैं छत पर तुलसी माता को जल ढारने के लिए। जी जब नॉर्मल डे में जाते हैं छत के ऊपर, तब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि कितना धूप है, कितनी गर्मी है, लेकिन जब यह पूजा का समय है और जब पूजा करने ऊपर आए हुए हैं, तो भक्ति में इतने हम लोग डूबे रहते हैं, मालूम भी नहीं चलता है कि यहाँ पर तेज़ धूप है और नंगे पाँव आए हुए हैं छत पर, और आराम से पूजा करके नीचे आ जाते हैं। जी हमारी पूजा हो गई है, और अब पूजा करने के बाद अब नीचे जा रहे हैं, अपने काम पर लगते हैं, और जी आप भी जा करके खाना बनाएगी, तो चलते हैं नीचे, भूख बहुत तेज लग गई है, लेकिन अभी खाना तो बना नहीं होगा, क्योंकि सवेरे उठते ही हम लोग पूजा पर लग गए।
जी वैसे तो डैडी सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, पहले स्नान कर लेते हैं, लेकिन आजकल हम डैडी से पहले भी स्नान और पूजा कर लेते हैं क्योंकि इनको भूख बर्दाश्त होती ही नहीं है और स्नान किए बिना और पूजा किए बिना इनको खाना मिलेगा नहीं, इस वजह से सुबह उठ के पूजा कर लेते हैं। वाह क्या बन रहा है? चावल का पकौड़ा। ओह पिछली बार खाए थे बहुत अच्छा लगा था। सिंघारे दाल का दो सिंधा नमक में। बस दो एक दिन खाना बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल भी सेम से दो से ज्यादा नहीं किसी को नहीं मिलेगा। जी जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था कि घर में आरती करने के बाद हम लोग मंदिर आते हैं, मंदिर में भी दिया जलाते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं, तो आज भी हम लोग मंदिर आए हैं और जी माता रानी की कृपा रही तो सभी 9 दिन हम लोग जरूर माता जी के दर्शन करने आएंगे और कोशिश करेंगे कि कटिहार के जितने भी दुर्गा मंदिर हैं वहाँ जा सके और माता रानी का आशीर्वाद ले सके और आप सबको भी सारे मंदिर का दर्शन करा सके।